हेलो नमस्कार आदाब मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि आज की दुनिया में लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इस दुनिया में लोगों को गौर से देखेंगे तो आज भी आपको नेक दिल और भले लोग देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे ही इमोशनल मोमेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी रो पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले बेल का आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में बहुत से अच्छे लोगों को देखा होगा, लेकिन एक ऐसा दोस्त मिल पाना वाकई मुश्किल है जिसे आपकी बहुत चिंता हो। लेकिन जिन्हें आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन दो दोस्तों ने दोस्ती की मिसाल कायम की है। दोस्तों ये माइक हैं जिन्हें फुटबॉल बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन ये फुटबॉल को देख नहीं सकते क्योंकि ये पैदाइशी ब्लाइंड हैं। लेकिन इनका अंधापन इन्हें फुटबॉल देखने से कभी रोक नहीं पाया, क्योंकि माइक की कजन या उनका बेस्ट फ्रेंड हमेशा उनके साथ स्टेडियम में फुटबॉल देखने के लिए जाते हैं। और ये वीडियो अभी कुछ महीने पहले की है जो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल भी हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं माइक के फ्रेंड उन्हें फुटबॉल में हो रही हर एक चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। और वीडियो के वायरल होने की वजह से ये वीडियो इनके फेवरेट फुटबॉलर एम सलाह ने भी देखी, जिन्होंने इन दोनों से मिलकर इन्हें इनके सपोर्ट के लिए शुक्रिया भी किया। दोस्तों कहते हैं कि एक बच्ची से जितना प्यार उसका बाप करता है, उससे ज्यादा प्यार उसे कोई और नहीं कर सकता, और इस बात में कोई शक भी नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सच है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्टोरी सुनने को मिलती हैं जिन्हें सुनकर आंखों में आंसू आ जाएं। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक पिता अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और ये वो खेल है जिसे हम सभी ने खेला है। लेकिन दोस्तों जब ये अपना हाथ अपनी लड़की की तरफ बढ़ाते हैं, तो वो मारने की बजाय अपने पापा के हाथों को चूम लेती है और फिर खड़े होकर गले से लग जाती है। दोस्तों ये तो आपको भी पता है कि बच्चों के लिए उनका सबसे इंपॉर्टेंट डे उनका बर्थडे होता है, क्योंकि उन्हें हमेशा यकीन होता है कि उनका बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा और उन्हें खूब सारे गिफ्ट मिलेंगे। कुछ ऐसा ही सोच रहा था एरिजोना में रहने वाला एक बच्चा जिसका बर्थडे था। उसने अपने बर्थडे वाले दिन अपने सारे क्लासमेट्स को इनवाइट किया और उसकी मदर ने पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स भी मंगवाए, लेकिन इस बच्चे के बर्थडे पर कोई आया नहीं, जिससे ये बच्चा बहुत ज्यादा मायूस हो गया और इसकी माँ ने इस फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसकी वजह से ये फोटो वायरल हो गई और हजारों की संख्या में लोगों ने बच्चे को विश किया। और NBA प्लेयर ने इस बच्चे को बुलाकर इसके साथ बर्थडे मनाया और गिफ्ट से इस बच्चे का पूरा घर भर गया। दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग फुटबॉल प्लेयर्स की होती है, और अगर रोनाल्डो और मेसी की बात की जाए तो इनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। लेकिन अब आप जिस लड़के को देखने जा रहे हैं वो मेसी का बहुत बड़ा फैन है। दोस्तों इस बच्चे का नाम है मुर्तजा और ये अफगानिस्तान का रहने वाला है। ये बहुत ही गरीब परिवार से है, लेकिन इस बच्चे को मेसी से बहुत प्यार है और ये उससे एक बार मिलना भी चाहता था। दोस्तों मुर्तजा ने अपने पिता से सिर्फ मेसी की जर्सी खरीदने के लिए कहा था, लेकिन इसके पिता के पास उतने पैसे भी नहीं थे कि वो जर्सी अपने बेटे के लिए खरीद पाते। लेकिन इसके पिता को एक दिन एक पॉलिथीन दिखाई दी जो बिल्कुल मेसी के जर्सी की कलर की थी, जिसे उन्होंने काटकर बिल्कुल उसकी टी शर्ट की तरह बना दिया और उस पर मेसी भी लिख दिया। और आपको यकीन नहीं होगा कि मुर्तजा इसी से बहुत खुश हो गया, जिसकी फोटोज किसी ने फेसबुक पर अपलोड कर दी, और उसके बाद ये फोटोज इतनी ज्यादा वायरल हुई कि ये बच्चा पूरी दुनिया में फेमस हो गया। और आखिरकार मेसी की भी नजर इन फोटोज पर पड़ गई, जिसके बाद इस बच्चे को मेसी ने अपनी साइन की हुई यूनिफॉर्म भेजी। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि मेसी के मैनेजर्स ने इस बच्चे के पिता को कॉन्टैक्ट किया और कतर में एक मैच के दौरान मुर्तजा और उनकी फैमिली को कतर बुलाया गया, जहां मेसी इस बच्चे से मिले भी और स्टेडियम में इसके साथ फुटबॉल भी खेला। दोस्तों
अब हम जिस शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उन्हें हर कोई जानता है। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि जॉन सीना ने 300 से ज्यादा फैंस की विश को पूरा किया, लेकिन उनकी इस सबसे छोटी फैन को देखकर आपके भी आंसू आ जाएंगे, क्योंकि इस बच्ची को कैंसर है और ये जॉन सीना से हमेशा से मिलना चाहती थी। और जॉन सीना को जैसे ही इस बात का पता चला, उन्होंने स्पेशली इसी बच्ची से मिलने के लिए अनाउंसमेंट की। और जॉन सीना ने इस बच्ची के लिए जो कहा वो आपको भी सुनना चाहिए। We have a young lady who is 7 years old. She has been fighting quite a tough battle, and I'm proud to announce that she won. दोस्तों अब इन दोनों भाइयों की कहानी सुनिए जो अनाथ हैं और पिट्सबर्ग के रहने वाले हैं, लेकिन इन दोनों भाइयों को बॉक्सिंग का बहुत ज्यादा शौक था, जिसकी वजह से ये जैक नाम के एक पुलिस ऑफिसर के पास बॉक्सिंग सीख रहे थे और जैक को भी इन्हें बॉक्सिंग सिखाना बहुत पसंद था। लेकिन अचानक से एक दिन दोनों भाइयों ने बॉक्सिंग सीखने आना बंद कर दिया। लेकिन जैक इन बच्चों को ढूंढते ढूंढते इनके घर पहुंच गए, जहां पर जैक जब बड़े लड़के से बात कर रहे थे तो वो बात करते करते रो पड़ा और उसने बताया कि उसके न्यू पेरेंट्स उन दोनों भाइयों को बहुत मारते हैं, जिसे सुनकर जैक ने इन दोनों बच्चों को लीगली अडॉप्ट कर लिया और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन दोस्तों यह स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि मैरी नाम की एक लड़की को जैक की काइंडनेस देखकर उनसे प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली और इनकी फैमिली कंप्लीट हो गई। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है और मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं। ये सब बताने के पीछे हमारा मकसद ये है कि जब 2019 में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यूएई के दौरे पर आए थे तो इनके वेलकम के लिए स्कूल के बच्चों को बुलवाया गया था, लेकिन उनमें से एक बच्ची आयशा, जिसे सऊदी के क्राउन प्रिंस से ज्यादा अबू धाबी के क्राउन प्रिंस पसंद थे, और इसी वजह से इस लड़की ने उनसे हाथ मिलाने के लिए दौड़कर अपनी लाइन भी चेंज कर ली ताकि वो अपने प्रिंस से हाथ मिला सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से आयशा बहुत ज्यादा उदास हो गई। लेकिन अगले ही दिन इस वीडियो को मोहम्मद बिन जायद ने देख लिया और फिर वो तुरंत इस लड़की के बारे में पता करके इसके घर इससे मिलने के लिए चले गए, जिन्हें देखकर आयशा बहुत खुश हुई और प्रिंस ने आयशा के साथ काफी देर तक बात भी की। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।